गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है फिजी। फिजी के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है और उन सब वीडियोस पे काफ़ी आप सभी का प्यार मिला है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फिजी की सिटीजनशिप कैसे लें हम इंडियंस। अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो फिजी की सिटीजनशिप कैसे लें, क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले तो आप सभी ने वीडियो देखा ही होगा फिजी का, आप सभी को पता होगा क्या फिजी हम इंडियंस को जाने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। अब 1 वीक की बुकिंग्स बता के वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन हमें वीज़ा ऑन अराइवल फॉर 4 मंथ्स मिलता है, ठीक है। लेकिन आपका इंटेंशन अगर जॉब है वहाँ पे, जॉब करना है, तो वो कन्वर्ट नहीं होता है टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। लेकिन आप टूरिस्ट वीज़ा को बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल है तो, ठीक है। या फिर 4 मंथ्स का तो ऐसे ही मिल जाता है, हम 4 मंथ्स तक तो वहाँ पर रुक सकते हैं। इस बीच में अगर कोई आपको जॉब मिल जाता है, ऑफ़र अच्छा मिल जाता है, तो वो आपका एम्प्लॉयर आपका प्रोसेस करेगा, लेकिन आपको फिजी एग्ज़िट करना पड़ता है, इंडिया आना होता है, ठीक है। फिर वो आपका एम्प्लॉयर आपको वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, और एयर टिकट आपको भेज देगा, तो उसको लेके आपको री एंटर करना है फिजी में। ये प्रोसेस होता है, ये सब मैंने आपको जानकारी दे दी है मेरे लास्ट वीडियोज़ में फिजी के, ठीक है। रूट्स का भी आप सभी को पता है, इंडिया से कोई भी एयरपोर्ट से वाया हांगकांग या सिंगापुर होके आप फिजी जा सकते हो, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो अभी हम आते हैं सिटीजनशिप कैसे ले, क्या प्रोसेस है। तो अगर आप आते हो फिजी, आप वर्क वीज़ा लेके आते हो, या फिर आप वीज़ा ऑन अराइवल आ गए और वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, वीज़ा ऑन अराइवल आओगे आप, तो ऑब्वियसली आप बिज़नेस ही करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपका कन्वर्ट तो होगा नहीं, राइट, टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता नहीं। और फिर अगर आप वर्क वीज़ा लेके आते हो इंडिया से फिजी के लिए, ठीक है, तो भी चलता है, लेकिन आपका स्टेटस होना चाहिए कोई, या तो फिर आप वर्क वीज़ा पे आए हो या टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, और फिर आपने बिजनेस कर रहे हो और बिज़नेस में आपने कन्वर्ट करा लिया बिज़नेस वीज़ा में, या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, जॉब ढूंढ के वापस आप इंडिया चले गए, फिर 1-2 महीने के बाद आप वर्क वीज़ा लेके फिजी आए हो, ठीक है, तो ये भी स्टेटस चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेस ये है कि अगर आप वर्क वीज़ा में हो या बिज़नेस वीज़ा में हो, तो आपको कम से कम 5 इयर्स वहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है, बाय न्यूट्रलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन उसे कहते हैं। जितना आप टाइम स्पेंड ज़्यादा करोगे फिजी में, उतना आपका गारंटी हो जाता है कि आपको सिटीजनशिप मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। एक चांसेस की मैं बात करूँ, आपको चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपको 10 साल अगर आप रुक जाते हो तो 5 इयर्स के बाद आप ये हो जाते हो, पीआर हो जाते हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फुल, आपको सिर्फ एंटर करना है फिजी विथ वर्क वीज़ा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो तो उसे फिर आपको जॉब ढूंढ के वापस इंडिया जाना होता है, या फिर टूरिस्ट वीज़ा को आप बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट करके आप बिज़नेस करिए वहाँ पर, 5-6 साल 7 साल हो जाते हैं तो आप ये हो जाते हो, वैलिड हो जाते हो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, इजी है, काफ़ी इंडियंस वहाँ पे है ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन। आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उस कंट्री में, वो बेस पे आपको सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है। तो यही है फ्रेंड, इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा प्रोसेस है कि आप वहाँ पर कोई लोकल से शादी करते हो, फ्यूजियन गर्ल से, ठीक है, तो भी एक ईजी प्रोसेस है, आप वहाँ पर जाके फिर शादी करके आप सिटीजनशिप पा सकते हो, तो ये भी है, ठीक है। और काफ़ी लॉयर्स है वहाँ पे फिजी में, तो आप लॉयर से डिस्कशन करके कंसल्टेंट्स जो भी चार्जेस होगा वो पे करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इंक्लूडिंग अगर आपको बिज़नेस करना है, टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट करके बिज़नेस वीज़ा में करना है, तो भी आप लॉयर से बात कर सकते हो, इमिग्रेशन ऑफिस में बात कर सकते हो फिजी में जाके सिटी में, ठीक है। तो यही है, और कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी क्वेरीज होगी, तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, ओके, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे मेरे न्यू वीडियोज़ आते हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी के लिए इतने, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन देव का ब्लॉग है। गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।